तो दोस्तों देख सकते हो मेरे पास ये ड्रिल मशीन है। आज जो हम इसको खोल कर देखेंगे कि इसके अंदर क्या है और कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो बहुत से भाइयों का कमेंट भी था कि सर इस ड्रिल मशीन को जो है खोल कर दिखाओ, इसके अंदर क्या है, कौन सी मोटर लगी है, ठीक है, कौन कौन से जो इसके अंदर पार्ट्स लगे हैं। तो सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आप देख सकते हो ये जो है 900 वाट का है, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको चेक करके दिखा दूँ ये चलता है, ठीक है। आपको ये ना लगे कि ये मैं ख़राब जो है ओपन कर दिखा रहा हूँ, ये जो है अच्छे से वर्क करता है, ठीक है, चल रहा है अच्छी कंडीशन में। तो मैं जो है इसको जो खोल कर दिखा रहा हूँ, ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है अपने रिस्क पे करें ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसको प्लग इन कर दिया है, आप देख सकते हो। और मैं इसको ऑन करता हूँ, तो देख सकते हो ये जो है वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। ऐसा आप ये मत सोचना कि ये जो है मैं खराब जो ओपन कर रहा हूँ। तो इसको चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है पेच बने हैं, ये देख सकते हो। सभी को हमने बारी बारी से खोल लेना है, तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑलमोस्ट सारे स्क्रू ओपन कर लिए हैं। अब जो है मैं इस कैप को हटा देता हूँ, ठीक है, और इन सभी स्क्रू को जो है हम निकाल लेंगे, एक साइड कर लेंगे। तो थोड़ा ध्यान से खोलना, पेच खराब भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देख सकते हो इस तरीके से जो है आपको अच्छे से ओपन करना है। आप थोड़ा सा भी इसको जो है फोर्स मत लगाना, नहीं तो जो है इसके लॉक वगैरह टूट सकते हैं। तो मैं इसको जो है आराम से धीरे से जो है ओपन करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप एक लाइक ज़रूर से करना, क्योंकि जो है ये जो है ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी नया ही है, तो मैं ये जो है आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो ये पोर्शन जो है अलग हो चुका है, ठीक है, और थोड़ी बहुत ग्रीसिंग वगैरह यहाँ पर लगी है, तभी तो ये अच्छे से वर्क कर पाएगा, ठीक है। इसको रखता हूँ साइड में, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मेन हमारी जाती है लाइन, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो स्विच है, और ये जो है इसका रोटेशन चेंज करने के लिए लेफ्ट राइट, ठीक है। और यहाँ से जो है आप एडजस्ट कर सकते हो इसका जो स्पीड को, ठीक है। और यहाँ से जो है आप देख सकते हो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर जो है ये टच होता है, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लगता है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जो है अभी निकल रहा है बाहर, अभी इसको हम फिट कर लेते हैं। ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिक्स होता, ठीक है, इस तरीके से ये फिक्स रहता है। और ये है हमारा यूनिवर्सल मोटर, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो ये जो है यूनिवर्सल मोटर है। और ये जो है हमारा जो है डीसी करंट पर भी और एसी करंट पे भी चल जाता है। और यहाँ पर जो है वाइंडिंग की गई है, और इसके अंदर मैग्नेट नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर वाइंडिंग की गई है। जो वाइंडिंग है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ठीक है, इसके अंदर। और आर्मेचर के अंदर देख सकते हो वाइंडिंग की गई है, ठीक है, जो ये रोटेट करेगा। और ये जो है 900 वाट का है, तो ये जो फैन जो है इसको ठंडा करता है, ठीक है, ताकि जो इंटरनल जो है हीट वगैरह हो वो अच्छे से सेपरेट हो सके। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है गियर बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है एक बड़ा गियर कनेक्ट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर एक देख सकते हो बेरिंग लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो ये बेरिंग लगा हुआ है। और ये यहाँ पर हमारा
चक जो है अटैच, और जो है इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से जो है ये वर्क करता है, और ये जो है इसका टॉर्क बढ़ जाता है, ठीक है, इस गियर बॉक्स के कारण, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये लेवल इंडिकेटर है जो कि बताता है कि हमारा जो ड्रिल कर रहे हैं वो कहीं टेढ़ा वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट 90 डिग्री पे कर रहे हैं, ये जो है इंडिकेशन देता है। और यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, आप देख सकते हो, ये जो है बेसिकली हैमरिंग के लिए है। ठीक है, इसमें हैमर वाला फीचर भी है, तो यहाँ पर स्प्रिंग दिया हुआ है, ये अंदर इस तरीके से अंदर चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जब हम इसको इस तरीके से पुश करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स अंदर चला जाएगा, ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा, ऐसे इस तरीके से ऐसे मूवमेंट करेगी, तो ये जो हैमरिंग का फीचर है इस तरीके से वर्क करता है। और देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो एक बार मैं इसको चलाकर आपको दिखाऊंगा लाइव डेमो। तो थोड़ा सा जो मुझे सेटअप करना होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है इसके कार्बन्स को जो है अच्छे से लगा लेता हूँ, ठीक है, फिर जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब जो है मैं यहाँ पर ये जो है इसकी मेन सॉक प्लग को है प्लग इन करूँगा, फिर मैं इसको चलाकर दिखाऊंगा। तो आप जो है यहाँ पर ध्यान से देखना, तो ये जो है निकल गया बाहर, कोई बात नहीं, मैं जो है इसे फिर से प्लग इन करता हूँ। और मैं जो आपको दोबारा से इसको चलाकर दिखाता हूँ, आप देख सकते हो, तो देखा आपने कुछ इस तरीके से ये जो वर्क करता है, ठीक है, और काफी अच्छा है, कंपनी भी काफी अच्छी है, ट्रस्टेबल है। तो आप ये मत सोचना कि ये जो कंपनी है अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाती, बनाती है प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ये बनाती है मार्केट में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका सारा फंक्शंस है। ठीक है, मैं जो है आपको अगर चाहे तो मैं इसको निकाल कर भी दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूँ तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये पोर्शन यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ से ये सारे पोर्शन अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि ये मेरी मशीन ख़राब हो, तो मैं नहीं निकाल कर दिखाने वाला आपको, जो है मैंने ऊपर से सब कुछ बता दिया है। आई होप आप सभी को कुछ सीखने को मिला हो। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।